हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने पास ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व ऑफ एलपीपी। वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होगी, उसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ना है हमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x1 + 2x + 3y, सब्जेक्ट टू -x + y लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में पहले हम जनरल मेथड देखते हैं, जनरल मेथड ऑफ फाइंड फेजिबल रीजन। ये फेजिबल रीजन जो होता है किसी भी ग्राफ सॉल्यूशन के लिए, जो फेजिबल रीजन होगा उसको निकालने के लिए हमें जनरल मेथड देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पुट द लाइन ऑन द ग्राफ। ये फिर से हमारे पास ग्राफ है और फर्स्ट मेथड कह रहा है पुट द लाइन ऑन द ग्राफ। जो लाइन दी हुई है -x + y लेस देन इक्वल टू 1, इसको पहले हम एक लाइन में चेंज करते हैं, तो इसके लिए इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होगा। तो -x + y = 1, ये एक लाइन है, इसको हमें ग्राफ पे पुट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं y = 0 पुट करें, y = 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है x = -1। यानी कि एक तो ये पॉइंट होगा हमारे पास जहाँ से जा रहा होगा, और दूसरा अगर हम x = 0 पुट करें तो y = आता है हमारे पास 1। ये इस लाइन के फ्रेंड्स दो पॉइंट हो गए, इस लाइन के -x + y, इस लाइन के दो पॉइंट हो गए, तो इनसे जा रहा है। तो y = x - 1, एक तो ये हो गया इधर -1 और एक हो गया y = 1 x = 0। एक यहाँ पर ले लेते हैं y = 1, ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये हमारे हमने फर्स्ट दे दिया इसको और ये हमारी लाइन हो गई। और सेकंड अपने पास 2x + y < 2, पहले इसको लाइन में चेंज करने के लिए 2x + y = 2। अब 2x + y, अब इस क्वेश्चन में अगर हम x = 0 रखें, पुट x = 0, तो y = आ जाएगा अपने पास 2। तो एक तो ये पॉइंट हो गया और सेकंड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, अगर y = 0 पुट करें y = 0 तो x = 1 आ जाता है। एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास, तो x = 0 y = 2, यानी कि कोई यहाँ पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो कि y = 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ इधर y = 0 हो तो x = 1 यहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स ये जो हमारे पास ग्राफ बना, दोनों का ये ग्राफ बन चुका है। अब इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे। हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा -2x + 2y = 2 एंड 2x + y = 2। दोनों को ऐड किया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3y = 4, यानी कि हमारे पास आ गया y = 4/3। एंड अगर y = 4/3 यहाँ पे पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो 4/3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1 4/3 - 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 - 1, यानी -1/3, तो x = 1/3, तो हो गया x = 1/3। तो फिर इसके निर्देशांक हो गए x = 1/3 एंड 4/3। ये हमारे पास इसके निर्देशांक निकाल लिए हमने इसके लिए। अब यहाँ पे सेकंड केस अपने पास चेक, हमें चेक करना है। टू वे दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट जो कंडीशन है, इज इट पास फ्रॉम ओरिजिन, जो पहली कंडीशन होती है वो है कि हमारे पास जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है नहीं, पर ये अगर पास होती है तो एक कंडीशन, अगर नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन, इफ इट पास फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती हैं। फिर हमने जो ग्राफ बनाया है इसमें लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, हमें एक दूसरा ग्राफ लेके चलते हैं जहाँ पे जिस तरह x < 2y, ये हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई, ये हमें एग्जांपल में ले रहे हैं। इस एग्जांपल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये हम सिर्फ एक समझने के लिए ले रहे हैं x < 2y, यानी x = 2y। तो हम देखते हैं जैसे हम y की वैल्यू रखते हैं तो x दुगना हो जाता है। जैसे y की वैल्यू हमने 0 रखी, दोनों पर 0 0 आएगी ओरिजिन से जाएगी, और y की वैल्यू 1 आएगी तो x = 2 आएगा, ये यहाँ से इस तरह से लाइन जाएगी।
ये फ्रेंड्स लाइन जाएगी हमारे पास, अगर ऐसा केस हो कि अगर वो लाइन ओरिजिन से जा रही हो तो उस केस में हम देखते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2y। अब इस ये ओरिजिन से जा रही है तो उस पर हम निकालने के लिए, फेजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट ऑन एक्सिस एंड सी दैट इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन और नॉट। हमने कोई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कहीं भी ले सकते हो, एक्सिस पे ले लो। तो हमने ये ले लिया, ये इस पॉइंट की कंडीशन क्या है, -1 एंड 0। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट पे हम देखते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये इसको सेटिस्फाई, सी दैट इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन और नॉट, हमने ये देखना है। तो ये हम देखते हैं -1 < 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि y बराबर 0 है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन देन फेजिबल रीजन इज द रीजन विच इज द सैड एंड पॉइंट। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो फेजिबल रीजन होगा वो रीजन होगा जो कि पॉइंट की साइड में होगा, मतलब कि रीजन होगा ये रीजन होगा। और अगर सेकंड कंडीशन इफ इट इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन देन फेजिबल रीजन इज आउटसाइड ऑफ द पॉइंट। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पॉइंट 1 0 ले लेते हैं हम जैसे यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं 1 < 0 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो रीजन होगा वो पॉइंट की दूसरी तरफ होगा, हमने ये पॉइंट लेके चले तो इधर आ जाएगा रीजन, तो ये रीजन हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स सेकेंड केस है इफ लाइन डज नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन, जो कि हमारी जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम थी, उसमें ये कंडीशन बन रही है। इफ लाइन डज नॉट फ्रॉम ओरिजिन, अगर जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं जा रही है, देन टेक ओरिजिन 0 0 एंड पुट इन द कंडीशन। हमें 0 0 ओरिजिन जो है उसको लेना है और कंडीशन पे अप्लाई कर देना है। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास फ्रेंड्स, कंडीशन थी हमारे पास -x + y < 0। अगर यहाँ पे हम 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 0 एंड 0 ये सेटिस्फाई हो रही है, अपने पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे 0 0 कर रहे हैं, 0 < 2 सेटिस्फाई है दोनों कंडीशन। फ्रेंड्स ध्यान रखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। तो उस कंडीशन हमारे पास क्या करते हैं, इफ लाइन डज नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन देन टेक ओरिजिन, हम 0 0 ले लिया। इफ कंडीशन सेटिस्फाई देन फेजिबल रीजन इज इन द साइड ऑफ द ओरिजिन, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारे पास दोनों पॉइंट लाइनों की, तो उस जो फेजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ये रीजन जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा। ये रीजन फ्रेंड्स, ये दो, इस लाइन का जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ हो गया, इस लाइन का जो रीजन है वो भी ओरिजिन की तरफ हो गया, और साथ में हमारे पास दो कंडीशन और हैं, x एंड y > 0। तो x एंड y > 0 मतलब ये 0, ये > 0, ये 0, ये 0। तो हमारे पास ऐसा रीजन जिसमें सारे पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो कौन सा रीजन है, ये रीजन, ये जो बना है, क्योंकि इस रीजन में ही सारे पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रीजन के पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इसका फेजिबल रीजन। फ्रेंड्स इस ग्राफ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, यही ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमें पॉइंटों के निर्देशांक भी निकाल लिए हमने, वो हम बता चुके हैं कि y = 4/3 और x = 1/3 कैसे आया है। नाउ z एट x y में हमारे पास एक प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 2x + 3y, ये हमारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है जेड। तो जेड एक्स बराबर हमने लिख लिया 2x + 3y। अब फिर हमने एक आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है जो फेजिबल रीजन होगा वो हमेशा इस जो कर्व होगा, जो लाइन होंगी जो बाउंड्री लाइन होंगी उन्हीं पे से होगा, और बाउंड्री लाइन पे अगर बाउंड्री लाइन पे भी वहीं होगा जहाँ की ये वर्टेक्स होंगी, ये पॉइंट होंगे वहीं पे, जो फेजिबल रीजन का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो उन्हीं पॉइंटों पे होगा। तो हम उन पॉइंटों पे हम देखते हैं इस पॉइंट के निर्देशांक क्या थे, 0 0, इस पॉइंट के निर्देशांक 1 0 0 1, और इसके 1/3 4/3 सभी पॉइंटों पे देखते हैं। 0 0 पे देखते हैं 0 आ जाता है, 1 0 पे देखते हैं तो 2 आ जाता है, 0 1 पर देखते हैं 3 आ जाता है, 1/4 1/3 4/3 पर देखते हैं तो 2 × 1/3 + 3 × 4/3 = 14/3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जेड मैक्सिमम निकालना है, तो जेड मैक्सिमम क्या है, 14/3। तो जेड मैक्स बराबर 14/3 एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो रहा है वो रहा है हमारे पास x1 बराबर x बराबर सॉरी x बराबर 1/3
एंड वाई बराबर 4/3। ये जो सॉल्यूशन रहा फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। और अगर इसमें मिनिमम पूछता है तो मिनिमम क्या आता है अपने पास, 0 0। तो ये कंडीशन में 0 0 आ जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है 0 0।